इसी के साथ जबलपुर में आशीष हॉस्पिटल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के खाली होने की शिकायत की थी, लेकिन स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया और महिला की मौत हो गई। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। मदन महल थाने में मामला दर्ज किया गया है। प्रॉब्लम थी, इलाज बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था और आज इनको छुट्टी होने की पूरी उम्मीद थी कि आज छुट्टी हो जाएगी, लेकिन कल जो वार्ड बॉय ने हरकत किए हैं इनकी लापरवाही की वजह से, उनकी वजह से उनको वेंटिलेटर में तुरंत रख दिया गया और आज उनकी जान चली गई। क्या लापरवाही करती है? ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रखा इन्होंने, अपना ऑक्सीजन जब सिलेंडर में था नहीं तो इन्होंने उनको वहाँ से लेके नहीं जाना था, लेकिन उन्होंने फिर भी लेकर गया और अपनी हट में लगे रहे कि ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है, और जबकि ऑक्सीजन नहीं था। वहाँ डॉक्टर लोग भी उनको बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर बदली कर लो, लेकिन वो स्टाफ इनका बदली करने के लिए तैयार नहीं। लापरवाही है, लापरवाही है, उनको पता करना चाहिए था सिलेंडर है कि नहीं है हमारे पास। अगर आपके पास नहीं था तो आपको बताना चाहिए था कि हमारे पास सिलेंडर नहीं है, हम खुद अपनी व्यवस्था करके ले जाते अपनी बहन के लिए, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं आप? कार्रवाई होनी चाहिए, वो दोनों को हमको चाहिए, वो दोनों हमें चाहिए। दोबारा किसी ने घटना, मतलब आज हमारी बहन के साथ हुआ, वो देखो वेंटिलेटर में रख दिए उसको झटपट लाके, आज वो तो दुनिया छोड़ के जा चुकी है, कल को किसी और बहन के साथ होएगा तो कैसे होएगा? यही डॉक्टर लोगों की जिम्मेदारी है। ये नाम बता दीजिए।